a very sensitive and very promising film. Yes, it is. It's a lovely film. Our company, Vian Industries, is doing the animation for Sniff. मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है एंड जो एनिमेशन भी बनी है इस पिक्चर के ऊपर बहुत अच्छी है. मुझे एक खास तौर पे प्रॉब्लम है जब बच्चों के लिए फिल्में बनाई जाती है वो ध्यान नहीं रखते कि चिल्ड्रन आर वेरी वेरी सेंसिटिव एंड दे शुड बी वॉचिंग टू मच स्टफ विद वायलेंस. तो ये एक ऐसी पिक्चर है जो बेझिझक आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और इसीलिए आई ब्रॉट वियान टू एक्चुअली सी द फिल्म बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुली मेड. आपने बिकल एक स्क्रीनिंग रखी है और कई लोगों को शामिल होने वाले आपके फ्रेंड्स मेरे बच्चों के फ्रेंड्स उनके मम्मी पापा आए हुए हैं एंड आई वांटेड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द वे आई यू नो द पेरेंटिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है. व्हाट यू वांट टू शो योर चाइल्ड एक्चुअली असर करता है उनके दिमाग में. वी कैन चूज मेरा बच्चा एक्चुअली कभी पिक्चर देखता नहीं है. बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने बच्चे के एंड आई फाउंड दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म्स दैट आई वांट टू डू. किचन बबल का बूम नीचे ले. आपको लगता है बच्चों को सिखाते हैं जब बचपन में एजुकेशन देते हैं अब वो मिल रहा है ना पेरेंट्स को बहुत क्योंकि हमने अभी वीडियो देखा आपने भी शायद देखा होगा एक छोटी सी बच्ची को लेकर. यार क्यों बवाल कर रहे हो. नहीं 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 आई एम वेरी बहुत सेंसिटिवली ऊपर सेंसिटिव. आई रियली थिंक दैट यू मैंने देखा है उस वीडियो को एंड आई गॉट वेरी पेन्ड एज अ मदर. लेकिन आई थिंक माँ से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या एक माँ ही समझ सकती है कि क्या सबसे बेस्ट है अपने बच्चे के लिए. तो आई डोंट थिंक यानी किसी और का हक नहीं बनता किसी भी पेरेंट को बोलना कि आप अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करो. मेरा प्लेस नहीं है ये बोलना कि उस बच्चे के साथ सही हुआ गलत हुआ लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड नॉट डू दैट. सुपर जजमेंट आई थिंक इन दिस मोदी गवर्नमेंट इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड एंड it truly showcases that you know Modi saab believes in what he says and jo wo kehte hain wo karte hain.